आप जब भी यार किसी स्टार को किसी स्टोरी से ज्यादा समझ लेते हो तो भाई यार पक्का आपकी मूवी में कुछ गलतियां होने वाली हैं, जो ये मूवी भी करती है। जी हम बात करने वाले हैं बीस्ट मूवी के बारे में, जो फाइनली रिलीज हो गई है, जिसका हिंदी में नाम है रो। और इसी मूवी का करेंगे रिव्यू, देखेंगे क्या देखने को मिला इसमें, क्या अच्छा था क्या बुरा था और कैसी लगी मूवी मुझे। इन सब बातों को बताएंगे अच्छे से डिटेल में, पर हाँ इस इंट्रो के बाद। तो अगर आपको पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा बता दें तो उसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं थलापति विजय, साथ में पूजा हेगड़े और इनसे लग भी बहुत सारे अच्छे एक्टर, कुछ कॉमेडियन। फिर उसके बाद यार बात निकल के आती है इसकी कहानी के बारे में कि स्टोरी क्या है इसकी, क्या कहानी रखती है ऑडियंस के सामने। तो देखो स्टोरी फोकस करती है एक रो एजेंट पे जिसका नाम होने वाला है बीरा राघवन, और उसी की स्टोरी को यहाँ पर रखा गया है, जिसकी लाइफ यार रो को क्यूट करने के बाद अच्छी चल रही होती है। तभी वो एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉल में होता है और वहाँ पे फंस जाता है, एक तरीके से पूरे मॉल को हाईजैक कर लिया जाता है। उसके बाद यार उसकी लाइफ किस तरीके से चेंज होती है और क्या वो मॉल में फंसे लोगों की जान बचाएगा नहीं बचाएगा, अब इन सब बातों के जवाब को जानने के लिए तो आपको देखना होगा मूवी को, जो मिलेगी थिएटर में ये तो मैं नहीं बताऊंगा, पर हाँ ये जरूर बताऊंगा क्या मूवी को देखने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कि प्लॉट अच्छा है या नहीं है, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, एक्टिंग कैसी देखने को मिली, प्लस कुछ और बातों के बारे में। तो अगर पहले बात कर ले इसकी कहानी से, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी आप किसी सुपरस्टार को स्टोरी से ज्यादा समझ लेते हो तो पक्का आप वहाँ पे गलतियां करने वाले हो, जो ये मूवी करती है। और इसकी जो मेन गलती यार यहीं पे है, पहली बात है कैरेक्टर राइटिंग, वहीं पे मूवी यार बहुत बड़ी गलती कर देती है, क्योंकि यार थलापति बीजे का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही दमदार कैरेक्टर है, जो यार होना भी चाहिए था। पर हाँ जब आप किसी दमदार कैरेक्टर को दिखा रहे हो तो उसके सामने जो अपोजिट में विलन हो वो भी यार दमदार ही चाहिए, जिसका यार खौफ दिखे मूवी में, पर मूवी ऐसा कुछ दिखाने में कामयाब नहीं होती है। विलन जो भी है उनको देख के लगता नहीं है कि हाँ वो लोग यार बच पाएंगे उस कैरेक्टर से, और इसी वजह से मूवी की स्टोरी अपने आप से कनेक्ट करने में पीछे रह जाती है। उसके बाद यार नोल्सन की मूवी में आपने देखा होगा कि हाँ कॉमेडी अच्छी देखने को मिलती है, पर मुझे यहाँ की कॉमेडी चाहे फर्स्ट हाफ हो या सेकंड हाफ हो दोनों जगह ही ज्यादा पसंद नहीं आई, काफी कम सीन थे जहाँ पे मैं हंसा हूँ। हाँ प्लस पॉइंट भी है कुछ चीजें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात यार विजय सर, उनका जो रुतबा देखने को मिलता है, उनका जो लुक देखने को मिलता है, उनका जो यहाँ पे पूरा कैरेक्टर देखने को मिलता है, मतलब वो बवाल टाइप है, और उसी के वजह से आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। जहाँ भी वो स्क्रीन पर आएंगे आपके चेहरे पे एक खुशी होगी। उनके जो सारे एक्शन फाइट सीन है वो भी काफी हद तक बढ़िया है, पसंद आएंगे। उन सभी एक्शन फाइट सीन में जो सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है वो भी अच्छी है। यार एक बात और है मूवी के साथ, जिस तरीके से लोग यार स्टोरी को रखते हैं वहाँ पे इनलॉजिकल भी कुछ पॉइंट जोड़ दिए गए, जो नहीं जोड़ते तो ज्यादा बेहतर रहता। अब अगर उन इनलॉजिकल पॉइंट को बताऊंगा तो यार स्पॉइलर हो जाएगा, पर फिर भी एक पॉइंट को बता देता हूँ। देखो ये पाकिस्तान वाला एंगल जुड़ा हुआ है इस मूवी के साथ में, जब देखने जाओगे तो पता चलेगा कि वो एंगल क्या है, पर वहाँ पे एक काम करता है विजय वाला कैरेक्टर जो थोड़ा यार इनलॉजिकल फील होगा। पर हाँ अगर बात करें स्क्रीन प्ले के बारे में, तो चाहे फर्स्ट हाफ हो या सेकंड हाफ हो थोड़ी बहुत यार लेंथ प्रॉब्लम लगने वाली है, दोनों में ही थोड़ा बहुत बोर होने वाले हो, और उसका जो मेन रीजन था वो ये है कि यार जो कॉमेडी वाला पोर्शन था वो ज्यादा काम करके गया नहीं है, और इसी वजह से बहुत सारे सीनों पे ऑडियंस थोड़ी बहुत बोर होने वाली है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी ज्यादा अच्छी है मूवी की। अगर बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात करें तो बीजीएम हाँ यार बहुत ज्यादा मतलब A1 क्वालिटी का है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित होता है मूवी के लिए, फिल्म में एक गाना है अरबी कत्थू करके, वो गाना भी आपको अच्छा लगने वाला है। साथ में कई सारे सीन में यार कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी, वो सारी चीजें पसंद आती हैं और जो प्लस पॉइंट में जाती है मूवी के लिए। अगर वहीं एक्टिंग के बारे में बात करें तो हाँ भैया सुपरस्टार विजय सर का जलवा देखने को मिलता है, थलापति विजय का जो एक स्टारडम है और जो उनका एक तरीका होता है हर एक्शन फाइट सीन में या हर डायलॉग को बोलने के टाइम पे, वो चीज आपको यहाँ अभी देखने को मिलेगी जो पसंद आएगी। जो उनका स्क्रीन प्रेजेंस था वो भी अच्छा था। उनसे अलग जो पूजा हेगड़े हैं उनके कैरेक्टर थोड़ा कम है, पर हाँ अच्छा काम करके जाती हैं। इनसे अलग भी यार बहुत सारे एक्टर हैं जिनका काम आपको पसंद आएगा, पर हाँ जो विलन है उनके कैरेक्टर को और दमदार तरीके से लिखने की जरूरत थी, जो इस मूवी की सबसे बड़ी निगेटिव पॉइंट है। अगर विलन कोई और होता और उसको और अच्छे तरीके से डेवलप किया जाता तो मूवी में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बन जाता। तो ओवरऑल अगर बात कर ले मूवी के बारे में और बता इसके हिंदी डब के बारे में, तो हिंदी डब यार अच्छा कराया गया है, पर अगर ओवरऑल बात करना हो मूवी के बारे में कि पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो भाई यार मूवी में बहुत सारी गलती है, परफेक्ट मूवी नहीं है, जितना उम्मीद किया था मैंने उस हिसाब से तो नहीं है। पर हाँ अगर बस आपको एंटरटेन होना है और अगर आपको एक्शन वाली मूवी देखना पसंद है तो भाई जाके देख सकते हो, विजय सर के फैन हो तो जाके देख सकते हो, पर अगर आप एक परफेक्ट स्टोरी देखने गए हो तो भाई यार वो देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर अब आगे आपकी मर्जी है कि किस पॉइंट से देखने जाते हो, अगर बस सिर्फ विजय सर के वैसे गए हो तो भाई जाओ देखो एंजॉय करोगे, तो बाकी यार अब आगे आपकी मर्जी, देखना है तो जाओ देखो थिएटर में मिल जाएगी। आज तो यार काफी अच्छे स्क्रीन मिले हैं मूवी को, पर कल नहीं मिलेंगे क्योंकि जस्ट मैंने अभी खुद देखा है तो कल की स्क्रीन यार लगभग एक एक दो स्क्रीन कर दिए गए हैं, जहां पे आज यार 6 और 7 स्क्रीन थे, तो कल के स्क्रीन कम हो जाएंगे आज ज्यादा हैं। बाकी अगर ये वीडियो कहीं अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट कर दो। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो साथ में, प्लस कुछ बोलना तो कमेंट करके बता दो। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो साथ में।